दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और बीजेपी पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो अगला टारगेट बंगाल की ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन होंगे। जब ये पूछा गया कि आपने क्यों कहा कि पीएम मोदी नहीं अब अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि आप इंटरनेट पर सर्च मार लो, खुद अमित शाह ने 2019 में कहा था कि 75 साल के सभी लोगों को रिटायर्ड कर रहे हैं। इसी के तहत अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अंदर इनके एक सेक्शन वॉर चल रहा है। शिवराज, वसुंधरा, खट्टर सभी को हटा दिया। योगी जी को हटाने की बात चल रही है ताकि अमित शाह का रास्ता साफ हो सके। पीएम अमित शाह को बनाना चाहते हैं, बाकी लोग ये नहीं चाहते हैं। या तो प्रधानमंत्री कह दें कि उन्होंने यह नियम खुद के लिए नहीं बनाया है। बीजेपी वालों ने खंडन नहीं किया कि योगी जी को हटाया जा रहा है। यह बात दबी जुबान में पूरे देश में चल रही थी। सुनीता केजरीवाल से जुड़े सवाल पर कि आप राबड़ी देवी मॉडल अपना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, भगवान का शुक्रिया कि मेरे जैसे सनकी आदमी का उसने, सुनीता ने साथ दिया। मैं अचानक इस्तीफा देकर आ गया था एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। उनका एक्टिव राजनीति में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैं अगर जेल में भी रहा तो मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा, 70 की 70 सीट मैं जीतूंगा।